मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उदयपुरा के पास ग्राम साइंछेड़ा में, साइंछेड़ा जो कि धुनी वाले दादाजी के नाम से भी विश्व भर में जाना जाता है। इस मंदिर पर दूर दराज से कई प्रदेशों से लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं और दादाजी के इस पावन दरबार में अपना माथा टेकते हैं, दादाजी से अपनी मनोकामना बोलते हैं और दादाजी से आशीर्वाद प्राप्त करके भी जाते हैं। इसी संबंध में हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय इस दादाजी के मंदिर के सेवक श्री रामदास जी। हम उनसे चर्चा करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? श्री दादाजी महाराज की जय। यहाँ सेवा करते हुए लगभग हमको 22-23 वर्ष हो गए हैं और ये दादाजी धूनी वालों का स्थान है। धूनी वाले इसलिए कहलाते हैं कि दादाजी का 24 घंटे आसन जो था वो धूनी के पास लगा रहता था और दादाजी की लीलाएँ जिन्होंने सुनी हैं या जो जानते होंगे तो लगभग 27-28 वर्ष दादाजी की लीलाएँ इसी क्षेत्र में साइंखेड़े में हुई हैं। और धूनी वाले दादाजी का पारिवारिक जानकारी तो किसी को है नहीं, कहाँ से थे। बाल्यावस्था में जरूर अपने गुरुदेव की जमात में, श्री गौरीशंकर जी महाराज की जमात में दादाजी नर्मदा तट पे बाल्यावस्था में गुरुदेव के पास आए और उन्हीं के सानिध्य में फिर गुरुदीक्षा लेके और दादाजी की जो कुछ सिद्धियाँ दादाजी ने प्राप्त की सब माँ नर्मदा जी की सेवा और अपने गुरुदेव की सेवा से ही प्राप्त करें। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ के यहाँ पर आते हैं? तो क्षेत्र से तो आते ही हैं और प्रदेश और देश की बात अपन करें सब तरफ से दादाजी के भगत आते हैं और क्षेत्र में तो मान्यता है ही, अधिकतर महाराष्ट्र में दादाजी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। महाराष्ट्र में तो कई शहरों में आज दादाजी के मंदिर भी बने हुए हैं तो दादाजी की मूर्ति भी स्थापित कई लोगों ने की है, पहले तो नहीं थी, आजकल कई शहरों में दादाजी के मन्दिर बने हुए हैं। दादाजी के जन्म स्थान का कोई सही जानकारी नहीं? दादाजी के जन्म या किस परिवार से थे इसकी तो कोई प्रमाणिक कोई जानकारी है। इस स्थान का कब निर्माण हुआ, कितना समय हो चुका है? मंदिर का निर्माण हुए तो लगभग 42-43 वर्ष हो गया और हमको यहाँ सेवा करते करीब 22-24 वर्ष यहाँ सेवा में। यहाँ पे कैसे कैसे लोग मतलब किस मनोकामना से आते हैं? दादाजी की तो ये है कि अभी दादाजी के समय में जिनके सयाने आए, जिनने दादाजी का दर्शन किया या दादाजी का आशीर्वाद जिनको मिला, उनके परिवार के लोग अभी आके बताते हैं। बहुत समय तो हुआ नहीं, 100 साल पहले की बात है। आज वंश परंपरा तो हजारों की है दादाजी के आशीर्वाद से चल रही है और घर में भी जो कुछ सुख समृद्धि है खुद बताते हैं लोग आके। 150-150 किलोमीटर दूर से दादाजी के समय बैलगाड़ी से लोग आते थे, सागर से आगे तक के आते थे, वो बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग पहले आए, दादाजी की कृपा हुई जो कुछ तो घर प्रतिवर्ष आना प्रारंभ कर दिया और दादाजी का प्रसाद तो बड़ा अजीब रहता था उस समय, तो लोगों को भी लगता था कि कहाँ आ रहे हैं, तो दादाजी तो गाली देना और डंडे मारना वो मुख्य दादाजी का प्रसाद था और वो जिसको मिल गया वो तो वो क्या उसकी पीढ़ियाँ भी तर गई, खुद अनुभव बताते हैं लोग अपने। तो यहाँ पर दादाजी का कोई नियम व्रत बताया जाता है कि नियम व्रत करना है? नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बस यहाँ तो जो आता है दादाजी के दर्शन करता है श्रद्धा से, जो श्रीफल नारियल लाता है तो नारियल धूनी में छोड़वा देते हैं, अपनी प्रार्थना करके, कोई मीडियट माध्यम की जरूरत नहीं, व्यक्ति आता है दादाजी के दर्शन करे, दो श्रीफल लाए तो और अच्छी बात है, तो धूनी में अर्पण कर दे, दादाजी की कृपा तो होती ही है ऐसे 27-28 वर्ष
जैसे स्थान पर रहे जी, तो उनका नहीं रहना, शारीरिक रूप से रहना नहीं रहना कोई माने नहीं रखता, कृपा तो उनकी दादा जी पे दया रहती ही। ये थे हमारे साथ दादाजी स्थान के सेवक श्री रामदास जी। कहते हैं कि अगर आप में आस्था और विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आता है। शायद ऐसा ही दादाजी का मान्यता वाला ये स्थान भी है। इस समय आपको लग सकती है कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन भक्तों के लिए वास्तव में देखा जाए तो ये जीते जागते दादाजी का स्वरूप उनके सामने रहता है। और इसी आस्था विश्वास के साथ वो दादाजी के श्री चरणों में आते हैं और अपनी मनोकामना इच्छा खोलकर चले जाते हैं। और दादाजी भी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखते हैं। उदयपुरा साईखेड़ा से वैभव जैन मस्ताना। आइए हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हुए एक व्यक्ति युवा है, उनसे हम चर्चा करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इस स्थान पर किस उद्देश्य से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश धैर्य है, हम जलगांव से हैं, महाराष्ट्र से, हमारा चोपड़ा तालुका है। हमारा यावल से हम बाइक की यात्रा में आए थे दादाजी के दर पे खंडवा पे, तो वहाँ से हम पैदल आए थे वहाँ पे, और फिर हमने मामा ने और हम सब ने फिर यहाँ पे आए थे गाड़ी करके। यहाँ पे बहुत अच्छा हमको फील हुआ क्योंकि दादाजी के यहाँ पे जन्म हुआ था, इसीलिए फिर हम यहाँ पे आए थे। तो आप पहली बार आए कि पहले भी आए? पहली बार ही आए, पहली बार आए कि पूरा परिवार के सहित आप यहाँ पे? पूरे परिवार के साथ। आप कितनी आस्था रखते हैं दादाजी? बहुत आस्था रखते हैं कि आप महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। अब आप क्या विचार आएंगे कि आप इस तरह यहाँ पे आते रहेंगे, लोगों को जाकर बताएंगे? अच्छा लगे यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपने कैसी अनुभूति महसूस की यहाँ पे आते समय? मतलब पूरा बोझ उतर गया दिमाग से, पुरानी पूरा थकवा उठ गया है, बहुत अच्छा फील हुआ। एक और भक्त हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या भाव और उनका क्या कहना चाहती हैं दादाजी? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हम भी दिल्ली में आए हैं पैदल चल के खंडवा तक, अब यहाँ गाड़ी करके आए हैं, तो हमारा पूरा परिवार आया है यहाँ पे, हमारी बहुत श्रद्धा है दादाजी के। आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए यहाँ पे, पहली बार पहुँचे।